ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल में डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका क्या फायदा होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सेल का जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है डेटा वैलिडेशन, उसको आज हम यहाँ पे सीखेंगे आखिर डेटा वैलिडेशन होता क्या है। और ये फीचर आपका कहाँ मिलेगा? ये फीचर आपके बहुत सारे जो मेन्यू है एक्सेल के, इसमें डेटा में यहाँ पे मिलेगा डेटा वैलिडेशन, ये फीचर है। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट, ये कई सारे फीचर्स इसमें हैं जिसके हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। डेटा वैलिडेशन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इसको आप प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी जो डेटा जो बनाया गया है आपका फॉर्मेट, उसमें जो डेटा एंट्री है वो करेक्ट हो, कोई इसमें गलत डेटा ना डाले, क्योंकि गलत डेटा डालने से आपका जो आउटपुट आएगा वो गलत आएगा, आपका सारा रिकॉर्ड गलत हो जाएगा। तो वैलिडेशन के माध्यम से हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति गलत डेटा ना डाले, एकदम एक्यूरेट और सही डेटा डाले, जिससे कि हमारा रिजल्ट का जो आउटपुट है वो एकदम सही आए। अब ये काम कैसे करता है? जैसे मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखा है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे राकेश है, निधि है, मोहन है, इसमें नाम है, एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पे हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक डेटा बना रखा है जिसमें एम्प्लॉयमेंट आईडी डाली हुई है, एज डाली हुई है और उनकी सैलरी डाली है। अब यहाँ पे कभी कभी फील्ड ऐसा नहीं, किसी का नाम बहुत बड़ा हो जाता है, 20 करेक्टर का हो जाता है, 15 का हो जाता है, तो ऐसे को रोकने के लिए हमें एक इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। जैसे हमने यहाँ पे मोहन लिखा, अगर हम करेक्टर हमने इसमें डिफाइन किया 5 से लेके 12 करेक्टर ये लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। यहाँ पे मोहन में 5 करेक्टर, अगर हम इसको यहाँ पर मोहन सिंह रावत इतना बड़ा ले लेंगे, तो आप देख रहे हैं फील्ड से बाहर जा रहा है। जैसे हम इस क्लिक करेंगे तो ये बताएगा द वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन फॉर दिस सेट, तो ये नहीं इसमें एंट्री हो पाएगी रिकॉर्ड, क्योंकि इसका जो करेक्टर है वो 5 से लेकर 12 से अधिक बड़ा है, उसके बीच में नहीं है, तो हमें इसको नाम को छोटा करना पड़ेगा। ये रिट्रे है, रिट्रे करने के बाद दोबारा ये बोलेगा इसको सही करो, तो हम इसको यहाँ से सही करेंगे तब जाके ये लेगा। तो इसमें हमने जैसे लिख दिया मोहन, अब ये इस नाम को ले लेगा। ऐसे ही इसमें एम्प्लॉय आईडी है, इसमें भी हमने वैलिडेशन लगा रखा है, इसमें 101 से लेकर हम 105 तक इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी, ये हमने पहले से नंबर इसमें कर रखे हैं। अब हम 105 तक ही इसमें दिखाएंगे, जैसे 100 मैंने 4 लगाया तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर हम इससे बड़ी कोई वैल्यू डालेंगे 1009 तो इसमें ये एरर शो करेगा, द नंबर मस्ट बी 1001 टू 1005 ओनली। जो हमारी आईडी है, हमारे यहाँ जो भी काम करते हैं वो 1001 से लेकर 1005 तक ही इम्प्लॉई है, तो उन्हीं के बीच नंबर ये लेगा, बाकी किसी के नंबर ये नहीं लेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो, और इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन भी आप बना सकते हो कि अगर आप जबरदस्ती किसी को देना चाहो तो यस से भी हो सकता है, यस अगर हम कर देंगे तो ये ले लेगा और नो करेंगे तो नहीं लेगा, ये आपके इच्छा पे निर्भर है कि आप इस तरह की सुविधा दे सकते हो डेटा एंट्री के लिए। ऐसी एज पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी कि उनके एम्प्लॉइज जितने भी हैं वो आपके 18 से 60 साल के बीच में है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 18 लगा रखा, इसने ले लिया डेटा, 26 ले लिया, 23 ले लिया, 26 ले लिया, यहाँ पे अगर हम 68 लेते हैं तो ये एक एरर मैसेज शो करेगा कि ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, ये डेटा आपका ओवर एज है, ठीक है। तो इसके लिए हम भी मैसेज यहाँ पे बना सकते हैं, अभी हमने इसमें मैसेज नहीं बनाया, तो रिट्रे करके हम इसको दोबारा से यहाँ पे करेक्ट डेटा डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 50 डाला तो ये हो गया। अब ये काम कैसे करता है ये हमें यहाँ पे सीखना है, तो मैंने एक और फाइल बना रखी है, ये वाली फाइल एम्प्लॉय डिटेल की। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे वैलिडेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें फील्ड सेलेक्ट करना होगा एम्प्लॉय नेम्स का, जैसे हमने यहाँ पे राकेश, निधि, मोहन, जया, सुनीता ले लिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे डेटा में, और आप देख रहे हैं डेटा वैलिडेशन है यहाँ पे। सेटिंग में हम चाहते हैं कि नेम
नेम हम 5 से लेके 12 करेक्टर से ज्यादा बड़ा हमारा ना हो, तो अलाउ हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट लेंथ, क्योंकि करेक्टर होता है तो टेक्स्ट में आएगा। टेक्स्ट की लेंथ को हम जैसे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे डेटा पूछ रहा है बिटवीन, बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ये सारी इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। तो हम बिटवीन ले लेते हैं, मिनिमम हमने लिखा 5 करेक्टर और मैक्सिमम लिखा हमने 12 करेक्टर, इससे इनके बीच में ही किसी के नाम आए और इसको हमने ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए कि जैसे नाम है जया नाम है, तो अगर हम इसको बड़ा लिखना चाहें जया सिंह रावत लिख देते हैं, तो देखते हैं कितना बड़ा हो रहा है। तो ये बड़ा हो रहा है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज आया। अब हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे और हम चाहते हैं कि जो हमने ये बनाया अप्लाई टू ऑल मतलब अब ये सारी फील्ड में सिलेक्ट हो गया, अभी एक ही फील्ड में ये सिलेक्ट था, अब हमने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो ये सभी में सिलेक्ट हो गया। अब इनपुट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे लिख सकते हैं इनवैलिड एंट्री लिख सकते हैं, और मैसेज में लिख सकते हैं नेम शुड बी 5 to 12 करेक्टर, ये लिख सकते हैं और ओके कर देंगे हम यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे कोई गलत डालेगा तो ये मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं यहाँ पे मोहन सिंह चौहान, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये एक मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, ये मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है कि करेक्टर इससे ज्यादा ना हो, और ये रिट्रे आ रहा है यहाँ पे और कैंसिल आ रहा है। तो हम इसको दो दो मैसेज आएंगे आपके पास, एक तो ये वाला मैसेज आएगा, एक ये वाला मैसेज आएगा, जब भी आप किसी फील्ड में एंट्री करेंगे तो ये मैसेज बताता रहेगा, वार्न करता रहेगा कि आपको कितने करेक्टर इसमें एंट्री करना है, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए हर फील्ड में ये दिखा रहा है, इस प्रकार का मैसेज हम डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें एक और किस्म का मैसेज भी डाल सकते हैं, एरर वाला मैसेज अलर्ट, जैसे स्टॉप आ रहा है तो आप स्टॉप और यहाँ पे लिख सकते हैं इनवैलिड एंट्री, और यहाँ पे लिख सकते हो नेम शुड बी 5 to 12 करेक्टर, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे हमें राकेश है, राकेश में कोई नाम डालना चाहे राकेश सिंह चौहान, और जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो देखो ये मैसेज आ रहा है द वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल, इस तरह का मैसेज आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसको रिट्राई भी कर सकते हैं और ये दोबारा करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं। तो एम्प्लॉय में मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, इसी प्रकार आप एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ पे है इसको भी आप वैलिडेशन कर सकते हैं। जैसे इसमें हम वैलिडेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं नंबर्स हैं एनी वैल्यू, तो नंबर्स में होल नंबर डेसिमल लिस्ट डेट ये सब दिया हुआ है, तो डेसिमल हमें लेना नहीं, हमें होल नंबर लेना, क्योंकि होल नंबर में पॉइंट नहीं आता, डेसिमल नहीं आता, तो होल नंबर हम लेंगे। डेटा आपको किस प्रकार का चाहिए, नॉट इक्वल टू इक्वल टू, हमें केवल बिटवीन चाहिए, इतने से इतने के बीच में, मिनिमम हमारे यहाँ जैसे इम्प्लाई शुरू होते हैं 1001 से और हमारे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं 1005, ठीक है। तो यहाँ हमारे ये एम्प्लॉय यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं 1005 पे, इसको हम ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये अभी हमारा एक सेल में, हमने पहले से इसमें भर रखा था, हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं तब हम इसमें भरेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे ये आने लग गया सेलेक्ट अप्लाई दीज चेंजेस, अब हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, आपने ओके कर दिया ये। इसके बाद आप चाहते हो कि इसमें हम इनपुट मैसेज ना डालें, केवल एरर अलर्ट मैसेज डालें,
क्योंकि इनपुट वाला हमने इसमें डाला था, तो एरर इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, स्टॉप लिख सकते हैं, वार्निंग लिख सकते हैं। वार्निंग लिख देते हैं यहाँ पे, प्लीज एंटर करेक्ट डेटा, ये लिख देते हैं टाइटल। यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी 1001 to 1005, यहाँ तक होनी चाहिए। ओके कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इंटर करते 1005 1001, हमने करा तो हमारा कोई मैसेज नहीं आया। 1002 हमने किया, कोई मैसेज नहीं आया। जैसे हम यहाँ पे करते हैं 1006, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा, ये देखो, प्लीज इंटर करेक्ट डेटा, एम्प्लॉई आईडी मस्ट बी 1001 to 1005। तो इस प्रकार की आप एक मैसेज भी बना सकते हो वार्निंग वाला। कंटिन्यू करेंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नो करेंगे तो नहीं करेगा, कंटिन्यू करेंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। आप चाहते हैं कि ये एक्सेप्ट ही ना करे तो उसको आप अपने अनुसार उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 1009, जैसे हम करेंगे तो वार्निंग दे देगा, इसको नो करेंगे तो वो, जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे वो उसको बार बार वार्निंग देता रहेगा। अब ये 3 हो गया, यहाँ पे 1004 इस प्रकार हो गया। इसी प्रकार एज है, एज के लिए भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक ऑफिस में अधिकतर 18 से 60 साल के ही लोग काम करते हैं। तो हम पहले फील्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर इसमें वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम सेटिंग में जाके कोई भी होल नंबर ले लेते हैं, और बिटवीन कहाँ से 18 to 60 तक हम यहाँ तक लेंगे, 18 to 60, अप्लाई कर देंगे सभी पे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और वैलिडेशन ले लिया, और यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया क्योंकि पहले से ये सेलेक्ट हो रखा था, इसलिए इसको डिलीट करना जरूरी है, तभी अप्लाई सभी में होगा। अब हम इसको ओके कर देते हैं, और आप चाहते हैं कि इसमें एरर जो मैसेज आए, स्टॉप आए केवल, और कोई चीज अलाउड ना हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनवैलिड डेटा एंट्री, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज एंटर एज बिटवीन 18 to 60, और ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि जैसे हम यहाँ पे 18 एज डालेंगे तो ये करेक्ट ले लेगा, यहाँ पे हम 20 डालेंगे ये ले लेगा, हम यहाँ पे 50 डालेंगे ये ले लेगा, यहाँ पे 55 डालेंगे सही लेगा, जैसे आप यहाँ पे 67 डालेंगे और क्लिक करेंगे तो ये मैसेज दे देगा प्लीज इंटर एज बिटवीन 18 to 60। अब यहाँ पे आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते, आपको रिट्राई करके दोबारा ही सही एंट्री इसमें डालनी होगी। अब हम इसमें 60 डालेंगे तो ये ले लेगा। तो आपने देखा कि डाटा वैलिडेशन बहुत ही अच्छा फीचर है एक्सेल का, जिसमें हम करेक्ट डेटा एंट्री इसमें हम डाल सकते हैं, और किसी को अलाउड नहीं करेंगे कि गलत डेटा वो डाले। और साथ में जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे हमने मैसेज भी डाला था कि हर फील्ड में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैसेज भी आएगा, वो बताता रहेगा, जिससे हम कोई भी चीज़ गलत ना करें। लेकिन इससे कभी कभी हमें दिक्कत भी आ जाती है कि हर चीज़ में मैसेज देता रहता है, तो हम इसकी ज़रूरत है तो आप लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। तो आज आपने सीखा कि डाटा वैलिडेशन में हम होल नंबर्स का या कैरेक्टर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। टिल देन गुड बाय, और इसी तरह आप हमारा चैनल देखते रहिए, आपको और अधिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी।